प्रज्ञा ठाकुर से कहो इस्तीफा दे दे, बजरंग दल वाले कहेंगे पहला शो मैं देखूंगा। आप बागेश्वर वाले बाबा से कहिए एक बार फेस टू फेस चमत्कार दिखा के हम पे। मीडिया वालों को पैसा सिर्फ पठान के लिए मिला है, 12 किलोमीटर घसीटी हुई बच्ची की याद नहीं आ रही इन लोगों को। ये देश आखिरी मरगले में है नफरत के। प्रधानमंत्री सो के उठे हैं और इतना सो के उठते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अभी प्रधानमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुसलमानों से मिलो, उनसे बात करो, उनके बारे में जानो और उनको समझाओ। पंडित जी इधर कैमरा इधर देख के बोलो। तो आप बताइए कि पठान पिक्चर से अभी मुसलमानों से नफरत फैलाए थे भाजपा के नेता, अब मुसलमानों से इतना प्यार क्यों? जब चुनाव आता है तो दलित हिंदू हो जाता है, जब चुनाव आता है तो मुसलमान को अपना माना जाता है, और जब चुनाव आता है तभी सारे काम किए जाते हैं। कोई किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ पे नफरत का बीज बोकर हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया है। पठान सुपरहिट हो चुकी हो गई सुपर हिट। लेकिन पठान का टीजर अब बुर्ज खलीफा पे देखा नहीं आपने? टेलर जो चला था, हमने टेल तभी तो हम बोल रहे हैं हिट है। अच्छा, ये तमाचा है अंधभक्तों पे, गोबर भक्तों पे जो गोबर खा के दिखाते थे। अब कहाँ गई वो? तो आप देखेंगे पठान कौन? आप देखेंगे, हम साधु संतों की तरह नीच और कुलीच नहीं है जो हम जाके पीछे देखेंगे। प्रज्ञा ठाकुर का नहीं सुना सच्चा? कौन प्रज्ञा ठाकुर होगा? अरे जाओ ये प्रज्ञा ठाकुर से कहो इस्तीफा दे दे, बजरंग दल वाले कहेंगे पहला शो मैं देखूंगा। ये बाप है देश के, ये सेंसर बोर्ड है फ्रेम में आई क्या? बजरंग दल सेंसर बोर्ड है? अगर वो सेंसर बोर्ड हो तो बताओ। तो आपको अपमान नहीं लग रहा है? किसका अपमान लग रहा? तभी देखने जा रहे हैं बजरंग दल वाले। क्यों अपमान हुआ तभी देखने जा रहे हैं? भगवा का अपमान है तो बजरंग दल वाले देखने क्यों जा रहे हैं? जब बाइकॉट करने वाले देखेंगे, पहले देखेगी देश की जनता, वो तय करेगी कि प्रोपेगंडा था या फेक था। जनता में नहीं आता? नहीं, वो बजरंग दल नहीं है, वो भगदड़ दल है। भगदड़? भगदड़ दल, बजरंग बजरंग। हाँ, और जो स्वयं सेवक संघ है वो सैमलिंगिक संबंध है उनका। सैमलिंग ये नाम कहाँ से क्या है? कौन ये नाम? वास्तव यूनिवर्सिटी में आया था भाजपा वालों के कहना हम लोग यही हैं। अब बताओ असल में चलती ना इन लोगों की। अब आज महत्वपूर्ण बात यह है, बागेश्वरम वाले बाबा ने एक बहुत ज्यादा गिरी टिप्पणी की है और ना ही किसी भाजपाई का खून खोला है और ना ही किसी हिंदू संगठन का खून खोला है। उन्होंने कहा भगवान श्री राम जी के 5 पिता थे। किसने कहा है? बागेश्वरम वाले ढोंगी बाबा ने। वो बाबा नहीं है, वो दूर कुलीच है और दुष्ट है। ऐसे लोग मानने वाले उनका कर है पठान का बाइकॉट करो। तभी भाग गया, तभी जाग गया है। चिल्ला लिए तुम तो नहीं जाग पा रहे हो, ऐसा ना हो कि चिल्लाते चिल्लाते तुम्हारा गला फट जाएगा। जाग गया हिंदू, हिंदू सूरज जाग पा रहे हो? हिंदू नहीं हो क्या? पहले तो भारत में समय देखो, तुम नहीं आप भारत रखो, भाजपा के पत्रकार हो गया तो क्या निकल गया? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आज के महत्वपूर्ण दौर में अगर हम पिक्चर विवाद करेंगे और पिक्चर को हम ही देखने जाएंगे तो गलत बात है। एक चमत्कारी बाबा है और आप बाबाओं को उनसे जलन हो रही है, उनका चमत्कार देखा नहीं जा रहा आप पे। आप बागेश्वरम वाले बाबा से कहिए एक बार फेस टू फेस चमत्कार दिखा के हम पे दिखा दे। अरे वो बड़े लेवल के बाबा है। अच्छा, वो लेवल बड़ा है? कौन से लेवल में? लाखों लोगों का कष्ट दूर करते, दरबार लगता है उनका डेली का दरबार। ये फेक दरबार है। अच्छा, पठान मूवी, एक पठान मूवी आ गई तो बड़ा पेट दुखने लगा। अडानी देश का रईस बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, शाहरुख खान रईस बन गया विश्व का तो बड़ा दिक्कत हो गई। पंडित जी आप बागेश्वर बाबा की बात कर रहे, देखा नहीं जेपी नड्डा मिलने जाते हैं उनसे, बीजेपी के सारे बड़े राम रहीम से, और आप ही की पार्टी की पूनम पंडित है वो भी मिल के आई है, लगातार उनका विरोध हुआ है। पूनम पंडित का विरोध तो फिर इस बारे हमने भी ट्वीट किया था। हम पूनम पंडित के इस मामले में विरोध करते हैं जी। अच्छा। सीधी बात है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जो दलालों से मिलने जाता हो। ऐसे हमने पंकज श्रीवास्तव का भी सपोर्ट नहीं किया दलालों का। पंडित जी पूनम पंडित की एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था अगर बागेश्वर बाबा कहें तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगी। तो छोड़ दे कांग्रेस, क्यों नहीं है कांग्रेस में? टिकट पा गई है वो तो छोड़ दे। बाबा ने नहीं बोला होगा ना? तो बाबा जाने मन की बात। हाँ। उनकी मन की बात बाबा जान गए, बोलिए बाबा। अच्छा, उनकी मन की बात जान गए। समीर आप क्या राय रखते हैं पठान फिल्म को लेकर? बुर्ज खलीफा पे दिखाया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? बताइए।
बुर्ज खलीफा पे जो टेलर दिखाया गया ना, उसने सारी क्या कहते हैं इनकी जो बायकॉट मंडली है, उस बायकॉट मंडली का जेब से पकड़ा, आधार तोड़ दिया है, आधार तोड़ दिया है। और वो आधार किस लिए तोड़ा गया है कि जिस तरीके से शाहरुख खान के लिए बायकॉट इन्होंने चलाया था, कभी भी आप देखें कि शाहरुख खान ने कभी भी इस देश को बांटने की या कभी भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री या स्वयंसेवक संघ या बजरंग दल किसी पे ऐसी कभी आज तक टिप्पणी नहीं की है। तो आज जब बुर्ज खलीफा पे आज से दो दिन पहले ट्रेलर चला और आप ये देख रहे हैं कि पूरे पूरी एक जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और यूएई में एडवांस बुकिंग चल रही है, आप समर्थन कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना, आप समर्थन क्यों नहीं करेंगे, अरे मेरी बात सुनो, क्यों मेरी बात सुनो, जब चमक 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 कर चुके हाँ, जब एक में क्यों नहीं करेंगे भाई, लड़ने आए हो क्या, क्यों नहीं करेंगे, बजरंग दल वाले देख सकते हैं, अपमान भी नहीं करेंगे, अपमान हो रहा है, एक में अपमान हुआ देख क्यों रहे हो, रो बे शर्म, कुछ क्या बजरंग दल से हमने नहीं देखा, पूछो जाके ओ दलालो कुछ क्या हो, अपमान करेंगे, पूछो करेंगे, पहले अपमान करेंगे, अपमान समर्थन करेंगे, चिल्लाए लिए जो जब अपमान हुआ है देखने को बजरंग दल क्यों जा रहा है, कहां देखा बजरंग दल, क्या गुजरात बायकॉट कर रहे हैं, पहले दिखाओ तो हम पास रुको, क्या बोले सुन लो, चश्मा लगा लो, कान की मशीन लगा लो, चश्मा लगाओ कान की मशीन लगा लो, चश्मा लगाओ कान की मशीन लगा लो, जब रुके जब उन्होंने कह दिया कि पहले हमको दिखा, वो बाप है देश के, हम तो कह रहे प्रधानमंत्री देख ले फिर, सेंसर बोर्ड देख ले फिर, गृह मंत्री देख ले फिर, सेंसर बोर्ड वही होगा, सच्चा सनातनी जो देखेगा उसी का मान होगा, क्योंकि भगवा का अपमान है, तुम अपने चैनल से बोलो कि देश सनातनियों का है, सिर्फ संविधान का नहीं बोलो, देश हिंदुओं का है, मोहन भागवत कह रहे हैं देश हिंदुओं का, कौन बोले, मोहन भागवत कह रहे हैं ना, जो भी मिलने गए थे मौलाना साहब से, वो क्या उनको हिंदू बनाने बिरयानी खाने गए थे क्या, मस्जिद गए थे, अगर अगर हिंदुओं का देश है तो खुद प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा कि मुसलमानों के पास जाओ, उनकी दर्द को समझो, एक लाख के दर्द को समझ पाओगे, नसीब के दर्द को समझ पाओगे, तीन तलाक में जितने लोग गए उनका दर्द समझ पाओगे, सीएनआरसी में शहीद हमारे लोगों को समझ पाओगे, अरे बेशर्मो कैसे हिंदू हो, नरेंद्र मोदी जी सल नहीं मुंडवाया, ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये क्या सिखाएंगे बेशर्मो अपने आने, अगर आने वाले वक्त को इनको हम सनातनी मांगे ना तो हमारे यहाँ अगर कोई मरेगा तो लोग हंसेंगे, तो प्रधानमंत्री को क्यों कोस रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पठान का विरोध नहीं होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं हिंदू का सवाल नहीं होना चाहिए, तुम हमारे हिंदुत्व पे सवाल उठा सकते हो और प्रधानमंत्री मुंडन नहीं करवा पे सवाल नहीं उठा सकते हो, इतनी दलाली लेते हो क्या, वो तो उनका धर्म है ना, वो समझे ना, अच्छा कौन का धर्म है, तो हिंदू नहीं है, तो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, बोलो हिंदू नहीं है, उसको पता है, नहीं पता है, मैं प्रधानमंत्री को, तुमका प्रधानमंत्री धर्म को नहीं पता, नहीं पता, पाकिस्तान से आए हो क्या, वो हिंदुस्तानी है, पहले हिंदुस्तानी है, और सुनो जब किसी के यहाँ कोई की मृत्यु हो जाती है, जब किसी यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो मंदिर नहीं आ जाता, अभी एक से दो दिन पहले यूपी में इन्होंने सुने ऐसे नहीं हम जवाब नहीं देंगे आपकी बातों का, अगर आप लोग मोदी करोगे तो हम जवाब नहीं देंगे, मोदी दुनिया कर रहा है, कौन दुनिया कर रहा है, दुनिया में तो शाहरुख हो गया, डंका पिट गया दुनिया में शाहरुख, जब पहले सुनेंगे आप लोग कुछ भी बोलो चिल्ला लो, आप लोग हमारे मुद्दे से मिटवाट नहीं कर पाओगे, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जब वो हिंदू है, जब किसी के घर पे कोई का देहांत हो जाता है तो मंदिर नहीं जाता है, शुद्ध करता है, पूरी प्रक्रिया होती है उसमें, और देखिए भगवान महाकाल ने बनारस में उनके कलश को भी स्वीकार नहीं किया, उनके जल को भी स्वीकार नहीं किया, मटका छटक गया, ये साफ दिखाता है ना, मुझे कोई बुलाया है ना मैं खुद आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, आज गंगा माता भी ने भी कहा कि ऐसे हथियारों को मेरे पास से ले जाओ। अच्छा पंडित जी, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि पठान पठान पठान, तो मोदी जी का भी पुराना बयान लोग बता रहे कि मोदी जी भी कहे थे, आप सुने थे, हाँ मैं पठान का बच्चा हूँ, झूठ नहीं बोलता, मैं सुना क्यों नहीं हूँ, इमरान खान ने कहा था, उनको कोट कर रहे थे, तो जैसे राहुल जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था आलू डालो सोना निकालो वाली बात, प्रधानमंत्री ने कही थे मोर तोड़ के राहुल गांधी ने बता दी गई थी, वही वाली बात है, वही काम आप भी करेंगे, कौन बीजेपी का मतलब बन गया था ना, बीजेपी का इस चैनल के नाम से मानो क्या था, ये गलत था, मैं मानता हूँ भैया, बीजेपी आदिल भाई मानो इस बात को, बोला था मैं, कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, आप भी उसी रास्ते पे चले, सरकार में जो लोग रह बैठे हैं वो दलाली करेंगे, पंडित जी पुलिस लगवाएंगे, बुर्ज खलीफा पे देख के पठान टेलर कैसे महसूस हुआ, एक बात तो है मीडिया वालों को पैसा सिर्फ पठान के लिए मिला है,
12 किलोमीटर घसीटी हुई बच्ची की याद नहीं आ रही इन लोगों को, इतने रेप हो रहे हैं उसकी याद इनको नहीं आ रही है, महंगाई के मुद्दे की याद नहीं आ रही है। मतलब गोदी मीडिया को सिर्फ मुद्दे भटकाने के लिए ही पैसे दिए जा रहे हैं। अरे शाहरुख खान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना जाता है, ये मुद्दा नहीं है, उसकी फिल्म का बायकॉट हो रहा है यहाँ देश में, देश कह रहे हैं मुद्दा नहीं है। देखिए बायकॉट कौन कर रहा है, जो देखने की मांग कर रहा है बजरंगदल, अब बजरंगदल का हम भी देखेंगे, अब कुछ दिन में साथी जी को प्रज्ञा ठाकुर कहेंगे हम भी देख ही लेते हैं क्या खराब देखने जाओगे, थिएटर में आग लगा देंगे, बजरंगदल जा रहे देखने आग लगा दो, अपने लोगों को आग लगा दो, भैया गुजरात में जा रहे हैं देखने बजरंगदल वाले, आग लगा दो जाके थिएटर। अच्छा पंडित जी आप भारतीय हैं, आप हमेशा बोलते हैं अपनी बात को, लेकिन जिस तरह से अभी चला है पठान का ट्रेलर, किस तरह से सोच रहे भाई, हमें गर्व की बात है, ये है हम भारतीय, देखिए भारतीय कहते नहीं भारतीय हैं, हमारे साथ मोहम्मद समीर चलता है और हम पंडित जी चलते हैं, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। हम शाहरुख खान का विरोध नहीं करेंगे, वो गैर बिरादरी होकर ही भगवा नहीं पहना डांस में, लेकिन मनोज तिवारी चमक 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 निरहुआ के निरहुआ ने गाने अपने वो हीरोइन को पहनवाया, अक्षय कुमार हरे राम हरे राम हरे राम का नाम लेके अब बस दिखा गया। अरे साबुन भी ऑरेंज होता है, जूता भी ऑरेंज होता है, और ऑरेंज जूता पहनना तो हमारे यहाँ के बाबाओं की निशानी है, तो बाबा जूता नहीं पहनेंगे, उसी ऑरेंज रंग में गोबर भी लगता है, मलमूत्र भी लगता है। इस पठान में आप क्या कहते हैं भगवा भगवा चिल्ला रहे हो, शाहरुख खान ने जो क्या कहते हैं जय हिंद बोला है, भारत माँ की जय बोली है, उसे क्यों नहीं दिखाते आप लोग, उसे क्यों नहीं दिखाते के वो देशभक्त भी है। फिल्म तो रिलीज हो जाए वो भी तो देखेगा। अरे रिलीज के अब ट्रेलर में भी बोला, और ट्रेलर से पहले भी बोला है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये देश नफरत के आखिरी मरगले में है, ये देश आखिरी मरगले में है नफरत के। उसके बाद कह रहे हैं कि शाहरुख खान जय हिंद बोला, लोग बोले हिंदुस्तान का खाता है पाकिस्तान का गाता है वो शाहरुख। पाकिस्तान का कौन सा पाकिस्तान, कभी उसने अगर पाकिस्तान का होता तो मीर फाउंडेशन 12 किलोमीटर घसीटी हुई बच्ची का मदद ना करती, अगर वो पाकिस्तान का होता। सुनो डर गया तो डरे तुम होकर चलना बंद हो जाए। आप थोड़ा एक और नमूने की हम बात कर ले, जिनका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बोला, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बोला, कौन सा जिन ले लिया है भैया, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है वो। हाँ कौन सा जिन ले लिया है अकबरुद्दीन ओवैसी ने, कि भैया कौन सा जिन ले लिया है कि इसको गर्मी नहीं ठंडी नहीं लग रही है। एक मुसलमान बहन के लिए तो यात्रा निकाल नहीं पाते हो बेशर्मो, आज दलाली करने आए हो। 2012 तक सत्ता की मलाई खाने वाले यही आई एम वाले कांग्रेस के साथ दल में थे, और आज तुम इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। क्यों धन्यवाद दलाली मिली, इसलिए क्योंकि भाजपा से फंडिंग हो रही है आईएम को, भाजपा लगातार फंडिंग कर रही है आईएम को। जहां जहां पे तेलंगाना में आरसी पे चुनाव लड़ने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी जी, आज पूरे गुजरात हो यूपी हो अपना पहले से आठ सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो पूरे देश में अकेले लड़ेगी भाजपा जिताने के लिए ना, वो तेलंगाना में आठ पे ही लड़ते हैं। शाहरुख खान कितना पैसा दिया समर्थन कर रहे हैं बताइए, भाजपा ने कितना पैसा दिया विरोध करने का, आपको कितना मिला है, थोड़ा ही कम मिला होगा आपको कितना। भैया सरकार भाजपा की जाँच करवा लो, शाहरुख खान के समर्थन में क्यों है ये तो पूछ रहे हैं। वो देश का नागरिक नहीं है क्या, वो देश का नागरिक नहीं है, देश का नागरिक अक्षय कुमार भी है, है? तो देश का मेरी बात सुनिए, शाहरुख खान पूछता है क्या कि आप क्या कहते हैं आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, उनको ऐसे ऐसे बॉलीवुड क्या कहते हैं हम एक्टरों के साथ हैं जिनको राजनीति से दूर दूर तक मतलब नहीं है, वो अपने कलाकार हैं, और इस कलाकार के लिए शाहरुख खान इस देश के लिए एक भाग्यशाली एक नागरिक है। अच्छा, हाँ। देश का भाग्य है जो शाहरुख खान इस देश में है। अच्छा, उसके पिता का, उसके परिवार का, हाँ, आप पूरा इतिहास उठाइए, हाँ, उसके बाप उसके पिताजी वही थे जिन्होंने लाल किले में पहली बार तिरंगा लहराया था। कहाँ से ला रहे हो आप, ठीक है ना, नाना जो भी है तो सरफराज जी है तो उसके परिवार से ही ट्रम्प रखने वाले, लेकिन सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ मौलाना अबुल कलाम के साथ में आजादी में लड़ने वाले उसके नाना थे, लेकिन आप सोचने वाली बात है। अरे सुनिए तुलसीदास जी की रामायण अकबर के टाइम पे लिखी गई, ठीक, उसमें भी मुसलमान को अक्रांता नहीं बताया गया, तांडला का अधिकारी दलित आदिवासी पिछड़ा को बताया गया, अब वाल्मीकि रामायण में विरोध कर रहे हैं इसका, चिल्लाओगे क्या तुम, धर्म जानते हो, धर्म जानते हो, चुप रहो, विरोध कर रहे हैं ना वो। अरे यार तुम कह तो रहा है ना कि आप लोग इतनी दलाली ले चुके हो, शिक्षा मंत्री आप लोग इतनी दलाली ले चुके हैं ना कि आप बोलने नहीं वाले हो, ना बोलने देते हो,